सो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक और वीडियो के साथ में। सो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो बनते यार जो भी थंबनेल नहीं बना पाते उनके लिए, क्योंकि जिनको एडिटिंग करना जो काफ़ी हार्ड लगता है और वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं और फ्री में एडिटेड थंबनेल लेना चाहते, तो उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप मोंटेज थंबनेल कैसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और बिल्कुल एडिटेड थंबनेल। सो बहुत ही ईजी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है प्रिंट आर्ट्स। तो ये वाला एप्लीकेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो कैसे डाउनलोड करना मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ से जो भी सर्च वाला बटन है उस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको सर्च करना PINTERESTS। जैसे आप ये सर्च करोगे तो यहाँ से हमारे सर्च में आ जाएगा, तो उस पर हमको टैप करना है। और ये वाला एप्लीकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ से हमारे इंटरफेस आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से नीचे जो सर्च वाला बटन आपको दिख रहा है इस पर हमको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ से हमको सर्च वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से हमको सर्च कर लेना है जो भी हमको चाहिए। तो जैसे कि हम BGMI का थंबनेल डाउनलोड करेंगे तो BGMI थंबनेल HD यहाँ से हम लिख लेंगे। सो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे इसको हम यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ से हमारे BGMI मॉन्टेज के लिए जो भी कितने अच्छे अच्छे थंबनेल है BGMI के, वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनमें से आपको जो भी पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको यहाँ से बिना टेक्स्ट के थंबनेल्स भी मिल जाएंगे, बैकग्राउंड जिन पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना खुद का टेक्स्ट यहाँ से लगा सकते हो और खुद एडिट भी कर सकते हो। और ऑलरेडी एडिटेड थंबनेल आपको मिल जाएंगे, आपको जो पसंद हो वो आप डाउनलोड कर लेना। और जो भी थंबनेल आपको पसंद हो उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी एक थंबनेल पसंद आ गया इनमें से, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस थंबनेल पर टैप कर देना है। जैसे मान लीजिए ये वाला थंबनेल मुझे डाउनलोड करना है, तो इस पर मैं टैप कर दूँगा, इसके बाद जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसके ऊपर इस पर टैप करना, फिर डाउनलोड इमेज का बटन आएगा, इस पर हमको टैप कर देना है। जैसे हम डाउनलोड इमेज पर टैप करेंगे तो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो एक मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं इमेज डाउनलोडेड का ऑप्शन आ चुका है, मतलब हमारा जो थंबनेल है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जब जितने भी आप करना चाहे उतने आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ मैं एक दो थंबनेल्स और डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, ये भी डाउनलोड हो चुका है, और इसी तरह से ये वाला कर लेता हूँ। तो इन मैंने डाउनलोड कर लिया इस, और एक बार मैं आपको गैलरी में जाकर दिखा देता हूँ कि हमारे डाउनलोड होके आया है या फिर नहीं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे जो थंबनेल्स है वो डाउनलोड होके आ चुके हैं, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सो इसी तरह से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज यार, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट बता देना, पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और नेक्स्ट टॉपिक भी बता देना किस टॉपिक पर चाहिए आपको कमेंट।